शेर और बहादुर लड़का, शेर और बहादुर लड़का, एक लड़का जिसे बहादुरी से लड़ाई किया, उसके बारे में हम पढ़े थे। आज हम संतोष का रहस्य पढ़ेंगे। क्या? पाठ 7, संतोष का रहस्य। तो हम कैसे संतोष से रह सकते हैं? ये हमारे बीच में ही, दूसरों से हमें संतोष नहीं मिलता है, हमें ही उसका हल ढूंढना चाहिए। तो बच्चों, आज हम संतोष का रहस्य पाठ पढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, पेज नंबर 44 निकालो। संतोष का रहस्य, समकली। सो हमें कुटुंब से क्या क्या मिलता है? कुटुंब से हमें एक जुड़ने का रहस्य मिलता है, संतोष से रहने का अच्छा फल मिलता है। तो आशय, प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य है कि सुख और आनंद का आधार संपत्ति या आधुनिक वैज्ञानिक सुविधाएं नहीं, बल्कि सहयोग और सहकार की भावना है। तो प्रस्तुत पाठ, यह पाठ है ना, इस पाठ में हमें सुख और आनंद का संपत्ति से कैसे रहते हैं, आज हम इसका ज्ञान पाएंगे। राजू और संदीप 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले सहपाठी थे। कौन सी कक्षा में पढ़ते थे वो दोनों? 8वीं कक्षा में। कौन? राजू और संदीप। राजू और संदीप 8वीं कक्षा में, 8th स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ते थे। राजू नजदीक के रामनगर गांव से बेंगलुरु की शाला में पढ़ने आता था। बेंगलुरु के पास ही एक रामनगर शहर गांव है, वो गांव से बेंगलुरु तक आता जाता था। वह बहुत मेहनती और हसमुख लड़का था। कैसा था? मेहनत से काम करता था, वो चुप बैठने वालों में से नहीं था, मेहनत से काम करता था और जब भी देखो कभी भी वो हसमुख रहता था। कैसे? हसमुख, हसमुख यानी कभी भी हंसने वाला मुख। इसलिए संदीप को वह बहुत पसंद था। राजू अक्सर संदीप को अपने घर भी ले जाता था, इसलिए संदीप को वो उसको देखते ही बहुत खुश होता था। तो वो बहुत हसनमुख लड़का था, इसलिए संदीप को बहुत अच्छा लगता था। तो राजू कभी कभार संदीप को अपने घर, अपने गांव भी ले जाता था। गणेश चतुर्थी का त्यौहार था, स्कूल में छुट्टी थी। राजू ने त्यौहार मनाने के लिए संदीप को अपने घर बुलाया था। सो एक चतुर्थी त्यौहार आया, कौन सा त्यौहार? गणेश चतुर्थी। उस चतुर्थी मनाने के लिए, वो त्यौहार मनाने के लिए संदीप ने राजू ने संदीप को बुलाया था। जब संदीप राजू के घर पहुंचा तो पूजा खत्म हो रही थी, सब मिलजुल कर आरती गा रहे थे। तब संदीप राजू के घर गया तो वहां पर आरती खत्म हो रही थी, तो सभी ने पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे, जिसे सुनकर संदीप को बहुत अच्छा तो पूजा खत्म हो रही थी और सभी मिलजुल कर आरती गाते, उन सभी को मिलजुल कर रहने को देखकर संदीप को बहुत अच्छा लगा। आरती के बाद वे सब लंबी कतार बनाकर खाने के लिए बैठ गए। आरती के बाद खाना खाने का प्रबंध हो चुका और सभी ने कतार एक एक लाइन बनकर सभी ने अपने घर, उसके घर में बैठ गए खाने खाने के लिए। केले के पत्ते पर स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जा रहे थे। तब आरती के बाद खाने का प्रबंध हुआ तो सभी बैठ गए, वहां पर केले के पत्ते को निकाला गया और सभी को परोसने लगे। राजू की माँ, काकी और भाभी परोस रही थी। वहां पर कौन परोस रहे थे? उनके माता जी, उनके चाचा जी और उनकी भाभी खाना परोस रहे थे। इतने सारे लोगों को देखकर संदीप ने राजू से पूछा, राजू इतना सारे राजू के घर में सारे लोग देखकर, बहुत सारे लोग को देखकर संदीप को हैरानी हो गई और एक प्रश्न पूछा, ये सभी तुम्हारे घरों में ही हैं?
संदीप, राजू त्योहार के लिए पड़ोसियों को भी बुलाया है क्या? उसने पूछा, ये सभी तुम्हारे पड़ोसी आस पड़ोसी के लोग हैं क्या? तुम उनको भी खाने को बुलाए हो क्या? ऐसे समझा राजू। अरे नहीं, सिर्फ अपने घर के ही लोग हैं। नहीं, राजू बोला, ये नहीं, हमारे घर के लोग हैं इतने सारे। संदीप आश्चर्य से, क्या इतने लोग एक ही घर में? ऐसे पूछा राजू। हाँ, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, हमारे गांव ज्यादातर घरों में इतने ही लोग रहते हैं। हमारे गांव में एक ही घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसे आश्चर्य क्या होना? ऐसे राजू ने संदीप को कहा। संदीप, और तुम्हारे घर में नौकर कितने हैं? फिर से संदीप ने प्रश्न उठाया, तुम्हारे घर में नौकर कितने हैं? तो इतने सारे लोग हैं तो नौकर भी होना चाहिए, ऐसे संदीप ने समझा। और राजू को पूछा, तो आपके घर में कितने नौकर हैं? राजू, नौकरी की क्या जरूरत है, हम इतने लोग हैं ना। संदीप, क्या सचमुच हमारे घर में नौकरों को क्या चाहिए जरूरत है? हमारे घर में इतने लोग हैं, उतना ही काफी। तभी राजू की माँ ने आकर उन्हें टोका, राजू पहले अपने दोस्त को खाना खाने आओ, बाद में बातें करना, पहले खाना खाओ। राजू की माँ उन दोनों को बोला, आओ तुम दोनों पहले खाना खा दो, बाद में बातें करो। फिर प्यार से दोनों को परोसने लगी। उनकी बातें सुनकर संदीप गदगद हो गया और अपने परिवार को याद करने लगा, जहां वे सिर्फ चार लोग रहते हैं। तो यहां पर आई बात संदीप के घर में चार ही लोग रहते हैं, उनके माता, उनके पिता, उसकी भाई, उसकी बहन और वो। तो वो चार लोगों को एक नौकर भी रहते थे, तो ताकि उसका घर का याद आ गया। यहाँ पर तो बहुत सभी मिलजुल कर रहते हैं, हम तो चार ही लोग हैं लेकिन एक का मुख एक देख नहीं सकते। उसके पिता अभियंत यानी इंजीनियर, वो इंजीनियर के काम करते थे। कौन, किसके पिता? संदीप के पिता इंजीनियर थे और माँ एक महिला समाज की अध्यक्ष, वो एक महिला सेवा थी, उनका अध्यक्ष भी काम करती थी, इसलिए वो घर में भी कम रहती थी। छोटी बहन 5वीं कक्षा में पढ़ती थी, उसकी एक बहन है वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करती थी। तो माता पिता अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, घर में तीन नौकर थे जो रसोई बनाते हैं और घर के अन्य काम काज संभालते हैं। तो वो दोनों बाहर के कामों में उलझे रहते थे, तो बाहर जाते थे इन दोनों को देखने के लिए। तीन नौकर थे जो रसोई बनाने वाला और अन्य काम का करने वाला। घर के लोग सिर्फ रविवार को साथ मिलकर कुछ समय बिताते, उस दिन भी अक्सर कोई ना कोई मेहमान आ जाया करता था। तो रविवार का हमें छुट्टी मिलती थी, चारों लोग मिलजुल कर हमें रहना था, लेकिन वहाँ पर भी कोई मेहमान आ जाया था तो हमें वो भी नहीं मिलता था। खाने के बाद वे दोनों दोस्त फिर बातें करने लगे, राजू तुम रात में किसके साथ सोते हो? तो राजू बोला संदीप को, तुम किसके साथ सोते हो? संदीप, अकेला अपने कमरे में, मैं तो अकेला ही मेरे कमरे में सोता हूँ। और तुम? राजू को बोला, राजू मैं तो अपने दादा के साथ सोता हूँ, रात में वे अक्सर मुझे कोई ना कोई कहानी सुनाते हैं। राजू मैं तो अपने दादा के साथ सोता हूँ। राजू बोला, मैं तो अपने दादाजी के साथ सोता हूँ, रात में वे अक्सर मुझे कहानी बोलते थे। संदीप, तुम्हारे यहाँ इतने लोग का खाना कौन बनाता है? तो अभी संदीप बोला, तुम्हारे घर में तो बहुत सारे लोग हैं, तो खाना कौन बनाता है? राजू, माँ और काकी खाना बनाती हैं। कौन बनाती है? माँ और काकी। माँ और काकी खाना बनाती हैं और मेरी दोनों भाभियाँ उनकी सहायता करती हैं और घर का अन्य काम भी करती हैं, हम सभी उनकी सहायता करते हैं। तो हमारे दोनों भाभियाँ हैं ना,
वो हमसे सहायता करते हैं और घर का अन्य काम भी करती हैं। हम सभी उनकी सहायता करते हैं, हम सब उनकी सहायता करते हैं, ऐसे राजू ने संदीप को बोला। संदीप और तुम्हारे पिताजी काका और भाई लोग क्या करते हैं? संदीप बोल रहा था कि तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, काका क्या काम करते हैं, भाई तुम्हारे इतने लोग हैं ना, तो वो कौन कौन से काम करते हैं? राजू, पिताजी और काका खेत के काम करते हैं, खेत यानी फार्म, वो दोनों फार्मर्स थे पिताजी और काका। भाई लोग गाय भैंसों की साना पानी का साथ, फूलों का बगीचों का देखभाल भी करते हैं। उनके भाई थे ना दो भाई, वो गाय भैंसों का कामकाज करते थे और उनके साथ साथ गार्डन का देखभाल करते थे। किसका गार्डन? वो गार्डन का भी देखभाल करते हैं। फूलों का बाजार में पहुंचते हैं तो वो गार्डन में से फूल रहते थे ना, वो फूल को लेकर कहाँ करते थे, बाजार में बेचते थे और उनकी बिक्री का व्यवस्था भी देखते थे और बाकियों का व्यवस्था भी वो दोनों भाइयों ने करते थे। संदीप, क्या वे लोग पढ़े लिखे हैं? संदीप बोला, तुम्हारे भाइयों ने पढ़ा है? राजू, क्यों नहीं, मेरे भाई तो कृषि विज्ञान और पशु पालन में डिग्री प्राप्त की है। तो हमारे भाई तो पशुपालन का डिग्री साइंस इन होम साइंस वो बोलते हैं उनका पढ़ाई की है। वे उगाई कटाई के लिए आधुनिक मशीन और तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं। आओ मैं तुम्हें हमारी डेयरी दिखाता हूँ। तो वो डेयरी दिखाने के लिए संदीप को ले गया और उसका पूरा डेयरी दिखाया जो आधुनिक तरीकों से बनवाया था। संदीप को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, उसको देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, इतने छोटे गांव में बहुत आधुनिक चीज़ों को देखकर, गोबर गैस था, सोलर ऊर्जा था आदि भी उचित प्रयोग का सामान वहां पर था, तो उसको देखकर बहुत आश्चर्य। तो पढ़ाई करने से हमें काम कृषि उद्योग में बहुत सी उपयोग होता है, उसने समझा। यहाँ आकर उसने दो विषयों को सीखा, एक तो यह कि पढ़ाई के बाद शहर जाकर की नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं, अपनी शिक्षा का उपयोग अपने घरेलू कामों का आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। दूसरा यही कि मिलजुल कर साथ रहना से एक और जहाँ खुशी मिलती है, तो सभी एक घर में ही मिलजुल कर रहे तो बहुत खुशी मिलता है, उसको समझ में आ गया। वही दूसरी और आधुनिक उन्नति भी संभव है, तो हमारा घर उन्नति होना चाहिए, तो हमारा देश उन्नति रहना है, तो हम आधुनिक उपकरण को हमारे गांव में ही हमारे घर में भी उपयोग करें। अपना घर लौटकर उसने अपने माता पिता को ये सारी बातें सुनाई और उन्होंने भी निश्चय किया कि अपने घर में भी सब मिलकर काम करेंगे और खाना भी साथ साथ खाएंगे, सब मिलकर काम करेंगे, ऐसा संदीप ने अपने घर को जाकर अपने माता पिता के साथ कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी तय किया कि आगे चलकर वे भी हर त्यौहार को अपने बंधु मित्रों के साथ मनाएंगे। तो उन्होंने तय किया कि हमारे घर को भी बंधु मित्रों को के साथ हम त्यौहार मनाएंगे। संदीप के पिता ने कहा, हम अपनी रहन सहन से साबित कर देंगे संतोष का रहस्य मिलजुल कर रहना है। तो बच्चों, हम सभी मिलजुल कर रहना चाहिए, दूसरों से साथ लड़ाई नहीं करना चाहिए, तो हमारे साथ हमारे भाई बहन के साथ हमें मिलजुल कर रहना है। तो ये था आज का पाठ। अभी आपको क्या करना है, इस पाठ को 3 बार पढ़ना है, शब्द लिखना है, कठिन शब्द बाद में शब्दार्थ लिखना है। तो होमवर्क, कठिन शब्द लिखना है, शब्दार्थ लिखना है 1 पेज, 1 पेज लेखन, हिंदी लेखन लिखना है, हिंदी लेखन यानी कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग लिखना है बच्चों।
अच्छा बच्चों, आपको ये पार्ट 3 बार पढ़ना है और समझना है कि हम मिलजुल कर कैसे रहना है, हमें झगड़ा नहीं करना है। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे, थैंक यू। और आप बच्चे क्या करें, सभी बच्चे हमें नोट्स नहीं भेज रहे हैं, आपको पूरा होमवर्क कंप्लीट करना है और वीडियो हमें इमेजेस भेजना है, ताकि हमें मालूम होना चाहिए कि आप सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको मार्क्स चाहिए, तो आपको पूरे होमवर्क करना है और हमें इमेजेस भेजना है। आप अननेसेसरी वीडियोस, इमेजेस, फोटोज नहीं भेजना है बच्चों। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे।